किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कल बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, यह कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी का। उनका कहना है कि कांग्रेस किसान के साथ हर हालत में और हर जगह खड़ी है। दरअसल उनसे कल के भारत बंद बुलाए जाने पर सवाल किया गया था। कांग्रेस सचिव ने गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ाए जाने पर कहा कि योगी सरकार ने किसान की औकात 5 रुपए साल की आंकी है, इसने 4.5 साल की सरकार में मात्र 25 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। सचिन चौधरी इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा तक दे देने की बात कह डाली और कहा कि बाबा अब गोरखपुर जाकर घंटा बजाएं। नहीं, गन्ने का मूल्य तो 100 रुपये बढ़ना था जैसा हमारा अंदाजा था, जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी वो 100 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ना था। आज इन्होंने 5 रुपये साल किसानों की औकात आकी है। अगर 17 में 325 रुपये गन्ने का मूल्य था, आज 350 रुपये किया है, तो जो किसानों की औकात ये आँक रहे हैं 5 रुपये साल की, वो किसान इनकी औकात चुनाव में बता देगा इनको कि इनकी क्या औकात है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सैकड़ों से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लगभग एक साल हो जाएगा जो किसान धरनों पर बैठे हुए हैं गन्ने को लेके। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि योगी जी एक संत आदमी हैं। उनको घंटा बजाने के लिए बढ़िया काम गोरखपुर में है, यहाँ पर वो उनका काम नहीं चल पा रहा है। उनके सलाहकार भी ठीक नहीं है, सरकार के सलाहकार भी बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान सैकड़ों से ज़्यादा शहीद हो गए, धरने पर बैठे हुए हैं, और ये कितना रुपये बढ़ा रहे हैं? 5 रुपये साल। 60 रुपये का डीजल पेट्रोल हुआ करता था, 100 रुपये है। आप मुझे बताइए, 325 रुपये का जो था उससे 25 रुपये बढ़े हैं 5 साल में, और जो 60 रुपये का सामान है उस पर 40 रुपये बढ़ गए। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का गणित है भाई? हमें समझ से बाहर है, और अभी भी दिक्कत में बढ़ाए मजबूरी में ही, जब बिल्कुल ये लग गया कि अब निपटने का नंबर आ गया, बाबा चले वापसी, तो जब बाबा को महसूस हो गया कि अब निकलने वाले हैं, किसान इस बार जो है मामला साफ कर देगा, तो मजबूरी में बढ़ाया। कल भारत बंद है, कांग्रेस या आप कहाँ कैसे देखते? देखिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। किसानों के कर्जे माफ हमने किए, कांग्रेस, और ये अभी इन्होंने जो पैसा बढ़ाया है 25 रुपये, ये इसलिए बढ़ाया है कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हम अपने आप देगी कांग्रेस, हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें इन्हें देना होता तो पहले दे देते। किसानों के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये किसानों के साथ नहीं थे, ये देश के साथ कभी नहीं थे। देश से गद्दारी इन्होंने हमेशा की, किसानों से गद्दारी इन्होंने हमेशा की, और वो सामने दिख रहा है। कल भारत बंद में कांग्रेस साथ आ रही है, मेरा हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हर मुद्दे पे किसानों के साथ हैं। जहाँ जहाँ किसानों का अनहित होगा वहाँ साथ खड़े होंगे, उनका समर्थन करेंगे, हर चीज़ पे समर्थन करेंगे, जो जो उनको दिक्कतें उनके साथ हमेशा। कांग्रेस की मांग थी कि 100 रुपये बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आप देखिए, 5 सालों में डीजल पेट्रोल के भाव दुगने हो गए, तो दुगने का मतलब गन्ने का भी दुगना होना चाहिए था। बिजली का तो 4-5 गुना हो गया, 200 रुपये पहले बिजली का बिल आता था कांग्रेस के समय में, अभी बिजली का बिल कितना आ रहा है? 3,000 रुपये महीना आ रहा है, तो 10 गुना 15 गुना तो बिजली का रेट बढ़ गया, और गन्ने का रेट कितना बढ़ा है, कितने गुना बढ़ा है? गुना तो छोड़ दीजिए आप, 25 रुपये बढ़े हैं, 325 था, 25 और बढ़ गए, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। मतलब इससे ज़्यादा बेगैरत सरकार नहीं हो सकती, ये हमारा मानना है।